फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? और अभी 5:30 बज रहे हैं, तो मैं आज कुछ अलग बना रही हूँ अपने चैनल पे। मैंने पहले नहीं बनाया है, पहली बार बना रही हूँ, तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ही अच्छे से, मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ रवा टोस्ट, यानी सूजी टोस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, रवा ब्रेड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इससे। और ये बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये मतलब आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो और स्नैक्स में भी इसे ले सकते हो। कैसे भी आप इसको, मतलब किसी भी तरीके से आप इसे खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी और इजी इजी मतलब डिश है ये। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए और क्या क्या मतलब बनाने में इसको कितना टाइम लगता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, देख लेते हैं इसका सामान और बनाओ, आप भी मेरे साथ आ जाइए, बनाते हैं मिलके। मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर, इसको बारीक काट लिया है और इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। एक प्याज लिए है, उसको भी बारीक काट लिया है, हरा धनिया और एक शिमला मिर्च, उसको भी बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ली है मैंने आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा सूजी, रवा और उतना ही मलाई, जो ये घर की मलाई है जो दूध से निकलती है, और ये मलाई ना फ्रेश होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन की रखी हुई नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 दिन की हो बस। और काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च को मैंने दरदरा कूटा है, और ये ब्रेड स्लाइस है, थोड़े बड़े स्लाइस हों तो अच्छा है बैठ के। आप इसकी जगह आटे वाले ब्रेड भी ले सकते हो। और ये मक्खन है जो कि ऊपर से हम लोग सेकते टाइम लगाएंगे, तो यहाँ तैयार कर लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर रवा ले लिया है, और यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि इसमें थोड़ी सी मलाई अगर आप ज़्यादा डाल दी, जैसे मैंने ये आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा रवा लिया है और उतनी ही मलाई ली है, अगर इसमें 1 कटोरी मलाई पूरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी थोड़ी सी मलाई कम रह गई थी, तो आप ना पूरी कटोरी भर के डालें मलाई, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि एकदम से ये सूखा जैसा सूखा सा हो गया, मैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ी सी मलाई आप और ले लीजिए। तो यहाँ पे ये मैं पानी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसमें, अच्छे से इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए इसको हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि सूजी थोड़ी फूल जाए, नहीं तो सूजी कच्ची कच्ची सी लगेगी, एकदम फूल जाएगी ना, तो अच्छे से सेट हो जाएगी। अब ये हम सारे इसमें सब्जियाँ डाल देंगे, तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ इसमें से बचा लूँगी, थोड़ी प्याज, थोड़ी शिमला मिर्च और थोड़ी सी टमाटर, ऊपर से जो हम पिज्जा बना वो बनाएंगे ना रवा टोस्ट, तो ऊपर से इस पर लगाने के लिए, डेकोरेट के लिए बस। ये धनिया पत्ती में इसी में सारा डाल लूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर, इसमें दरदरा काली मिर्च डाला है मैंने, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए इसमें आप। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे घर में तो मतलब मैंने बनाए थे तो मैंने सबने खाए थे, सबने यही खाया था, बहुत अच्छे से, और ना ये नुकसान भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं और घर की मलाई है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके सेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी इसे ढक के, इस तरह से ये हो गया है देखिए। तो अभी क्या है, इसको हम रखेंगे ना ढक के, थोड़ा सा इसमें नमक डला है तो पानी थोड़ा सा और छोड़ेगा, ये थोड़ा ढीला हो जाएगा जैसा हमें चाहिए उसका, उसी टाइप से। तो यहाँ मैंने थोड़ी सोया वो ली है, सॉरी पिज्ज़ा सॉस, तो इसमें ज़रूरी नहीं है पिज्ज़ा सॉस, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए, पर मैंने पिज्ज़ा सॉस इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे बच्चों को थोड़ा पिज्ज़ा का फ्लेवर चाहिए इसमें, इसलिए मैंने ये वाली सॉस लगाई है। आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हो इसे, और अगर चाहो तो इसकी जगह आप पिज्ज़ा सॉस लगा लीजिए, या टमाटो केचप भी लगा सकते हो, या नहीं भी लगा सकते। अब इसको फैला दीजिए इसके ब्रेड के ऊपर, तो ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमको, पतला ही इस पे लगाना है लेयर, नहीं तो सूजी कच्ची रह जाएगी, ढंग से सेक नहीं पाएगा, क्योंकि इसको हमें तवा पर ही सेकना है ना इसलिए। तो अच्छे से इसको फैला लीजिए चारों तरफ, और बहुत आसानी से ये लग जाता है इस पे। तो मैंने ये सिर्फ सॉस वाले बच्चों के लिए बनाए थे, मुझे नहीं अच्छे लगे थे, मैं तो सिंपल ही बनाए थे सबने, और हम सब लोगों ने सिंपल ही खाए थे, लेकिन बच्चों को मैंने बताया था पिज्ज़ा वाला फ्लेवर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें लगाया सॉस।
और यहाँ पे थोड़े से टमाटर मैंने बचा के रखे थे, और ये शिमला मिर्च और प्याज इससे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दूंगी जिससे कि देखने में और अच्छा लगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। बस इसी तरह मैं और भी दूसरे बेड को भी कर लूंगी, क्योंकि ये तवा पे जितने आपके 1 2 3 आ जाएं, और इसके लिए नॉनस्टिक तवा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसी तरह दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेती हूँ। ये भी तैयार हो चुका है, देखिए कितनी अच्छे से अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने रखा है नॉनस्टिक तवा, और नॉनस्टिक तवा हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे पे चिपकने में से बन तो जाता है। तो आप इस पे लगा लीजिए थोड़ा सा मक्खन, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मलाई है ना वो भी थोड़ा घी छोड़ती है इसमें, मलाई से चिकनाई निकलती है तो वो अच्छा रहता है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें चिकनाई की। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये गर्म हो जाएगा तो इस पे ना ये ब्रेड जो जिस तरह हमने सूजी लगाई उस तरफ से इसको डालिए, इस तरह से देख सकते हो आप। और हो सकता है आप लोग मुझसे भी अच्छा बना लेते होंगे, पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बनाती हूँ जिस तरीके से। तो बस ऊपर थोड़ा सा इस पे मक्खन लगा देंगे, और इसकी जगह मक्खन की जगह आप घी ऑयल कुछ भी ले सकते हो, आप देसी घी ले सकते हो या रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हो। तो बस इसी तरह इस पे लगा के हम इसको सेक लेंगे, तो ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, तेज़ आंच से क्या होगा जल जाएंगे और सूजी रह जाएगी कच्ची। तो थोड़ा सा मतलब सेम आंच पे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल 5 मिनट में ये एकदम तैयार हो जाते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते। तो बस इसी तरह से देखिए मैंने इसको पलट लिया है, ऊपर से सिक चुके हैं अच्छे से, और ये इधर से भी सिक गया है देखिए बिल्कुल अच्छा, और ये ऊपर से एकदम कड़क हो जाता है, और सूजी जो ऊपर जो नीचे वाला एरिया होता है इसका सूजी वाला वो सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप देख सकते हो। तो ये बन के तैयार हैं, बिल्कुल आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से किए हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा आया है इसका कलर भी, और बहुत टेस्टी, देखिए करारा भी हो गया है एकदम से। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, ये देखिए आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हो, ऐसे काट लो या काटो मत, तो ऐसे भी अच्छा लगता है, मत काटो इसको। तो मैं ये बच्चों को दे रही हूँ इसलिए मैंने काट के रखा है, बच्चों को आसानी होती है खाने में ऐसे। और अगर प्लीज अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। सबने मतलब टोस्ट खा लिए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि मुझे आपसे बात करनी है। किस मामले में बात करनी है, आप वैसे भी टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या आपसे बोलना चाहती हूँ और क्या शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो आज मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज क्या, एक कहानी आई थी, छोटी सी कहानी आई थी। तो उसमें कहानी जो थी उसमें दिखा मतलब लिखा हुआ था कि मायके से क्या लाई दिखा, ससुराल में आके मायके से जब बेटी आती है ससुराल में तो सब लोग पूछते हैं मायके से क्या लाई दिखा। तो ये मुझे बड़ा सच में बहुत मुझे नहीं बहुत दुख होता है इस चीज़ से कि क्यों यार क्यों नहीं समझते हम लोग किसी की मजबूरी को। वो तो ठीक है चलो किसी किसी के जो परिवार वाले होते हैं वो ऐसे समर्थ होते हैं कि वो देते हैं बेटी को, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे हम अपनी बेटी को बेटी आइए तो खाली हाथ भेजें कुछ ना कुछ। बहुत से माँ बाप तो ऐसे हैं जो कि बेटी जाए उससे पहले इंतज़ाम करते हैं कि हम मतलब उसको खाली हाथ ना भेजें कुछ ना कुछ उसको दें। क्यों ऐसी प्रथा है, क्यों है मुझे नहीं समझ में आता, और होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए ससुराल वालों को समझना चाहिए कि उनकी भी तो बेटियां हैं। मैं मानती हूँ चलो ठीक है आप समर्थ हो आप दे सकते हो, लेकिन आप किसी और को समझो, नहीं है किसी में सामर्थ्य, अगर है तो वो तो देता ही है, और नहीं है तो वो क्या कहीं से कर्ज लेके आए, कर्ज लेके आके दे क्या आपको। और सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले होते हैं ये चीज़, मैं किसी पे मतलब टारगेट बना के नहीं बोल रही हूँ, वो सास ही होती हैं ज़्यादातर,
सास होती हैं, जिठानियाँ होती हैं, देवरानियाँ होती हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि यार वो भी तो किसी की बेटियाँ हैं, जैसे हम किसी की बेटी हैं या और किसी की बेटी हैं, तो वो भी तो किसी की बेटियाँ हैं। तो ये समझना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ऐसे। वो बेचारी मायके जाती है अपने, तो क्यों जाती है? कुछ पल बिताने के लिए खुशी के, अपनों के साथ। वो सब छोड़ छाड़ के आपके यहाँ आती है, तो ये है कि मतलब वो लेने जाए, अगर किसी पे नहीं है तो फिर क्या करे वो। तो मेरे पास एक जो कहानी आई थी, मुझे उसने बड़ा विचलित कर दिया, तो मैंने मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए उसको। तो मैं, मेरे फ़ोन तो यहाँ पे लगा है, तो मैं दूसरे फ़ोन में मतलब पढ़ के आपको सुनाती हूँ उसे। सभी पूछने लगते हैं अक्सर, मायके गई थी क्या क्या लाई। जब बहू मतलब ससुराल आती है मायके से, तो सभी पूछने लगते हैं कि मायके गई थी क्या लेके आई। क्या दिलाया भाई ने और क्या दिया भाभी ने दिखा। बेटी बोलती है, अब भाई के स्नेह को कैसे दिखाऊं, भाभी के प्यार को कैसे तोल के बताऊं, दिन भर बुआ बुई कहने वाले बच्चों का प्यार किसे समझाऊं। प्यार को जब भी पैसों से तोलेंगे, वही प्यार का रंग हल्का पड़ जाएगा। स्नेह के धागों से बुनी चादर हमेशा मेरे सिर पर बनी रहे, इससे ज़्यादा एक बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए। पीहर में अपना बचपन फिर से जिंदा करने आती हूँ, भूल जाती हूँ जब लंबी जिंदगी की थकान को, और फिर से तरोताज़ा होकर लौटती हूँ अपने आशियाने में। और सब पूछते हैं कि क्या लाई दिखा, कैसे दिखाऊं, वो तो दिल की तिजोरी में बंद है ना। कितना दुख होता है यार, मतलब ये लाइने ना मुझे तो मतलब अंदर से एकदम से झकझोर दिया था कि आज भी ऐसे परिवार हैं, ऐसी ससुराल हैं जो बेटियों को मजबूर किया जाता है कुछ ना कुछ लाने के लिए, पर ये लोग भूल जाते हैं कि उनकी भी बेटियां हैं। कल आज हम किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो आपकी बेटी के साथ होगा, ज़रूर होगा। ये देखिए, आप सोच लीजिए, नहीं करना चाहिए आप लोग को ऐसा। और मजबूरी, जब वो, दूसरी बात, लड़की के मायके वाले वो आपके रिश्तेदार हैं, उनका जो है, उनकी हंसी में दुख में आप शामिल होइए, वो आपकी में होते हैं, आप एक दूसरे के आप मतलब रिश्तेदार बन गए हो, वो लोग अपने हो गए हैं, आप उनके अपने हो गए, तो एक दूसरे की मजबूरी को समझना चाहिए, समझना चाहिए ना। तो ये मत सोचिएगा कि बस, मुझे आपसे यही शेयर करना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं आज आपसे शेयर करती हूँ, शायद कुछ लोग मेरी बात सुने, समझें, और ये चीज़ मेरे यहाँ नहीं है। आप ये मत सोचिएगा मेरे ससुराल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, यहाँ भी वहाँ भी। वैसे तो कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है यार, सब लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी को सुनना न पड़े, सब चाहे कोई सुनाए या न सुनाए, फिर भी माँ बाप की इच्छा रहती है कि हम अपनी बेटी को यहाँ आई है तो कुछ मतलब अपनी यादों को लेके जाए, हम कुछ उसे दें। होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी माँ बाप ऐसा करे, लेकिन फिर भी ससुराल वालों को नहीं करना चाहिए ऐसा। तो आप लोग बताइएगा कैसी, मतलब आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं आप लोग। और ये मैंने आज, मेरा माइक मेरे पास नहीं है और इसमें फ़ोन में आवाज़ ज़्यादा अब नहीं आती है, तो मैंने आज लीड का मतलब यूज़ किया है, आप माइंड मत करिएगा। तो चलो मैं आप दिखा देती हूँ कि मेरे मायके से मुझे क्या मिला। और आप ये मत सोचिएगा कि मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बहुत 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 अच्छे हैं। बस मैं तो एक ये आया था मैसेज, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा हैं बहुत लोग ऐसे हैं, आज भी हैं, जो बेटियों को दहेज के पीछे मार दिया जाता है, बहुओं को, क्यों नहीं समझते यार, वो भी तो किसी की बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, और सबसे पहली बात आप खुद किसी की बेटी हो। चलो ठीक है, तो मैं अपना मतलब दिखाती हूँ जो मुझे घर से मिला है। ये साड़ी, ये जो मम्मी जी के लिए मिली है, ये वाली साड़ी, ये मम्मी ने दी है मेरी सासू माँ के लिए, ये वाली साड़ी जो है आप देख सकते हो। और ये पापा जी के लिए है, और देखिए मेरे जो घर में
मेरे घर में मैंने बताया था चाची ताई सब लोग रहते हैं और सभी मुझे देते हैं, तो मैं आप दिखाती हूँ जो मेरी मुझे ताई जी के घर से मिला है, ताई जी ने मुझे दी है साड़ी, वो वाली मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये वाली साड़ी जो है मुझे ताई जी की, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, इस तरह से है आप देख सकते हो, इसमें इस तरह से लगे हुए हैं ये बटन, बड़े अच्छे लगा मेरे को। और ये नीचे इस तरह से है साड़ी, उल्टी तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊपर ऐसा आएगा और नीचे ऐसे आएगी, ये बहुत ही प्यारी साड़ी लगी मेरे को ये वाली, ये मुझे ताई जी के यहाँ से मिली है। और ये वाली साड़ी जो है ये मुझे मम्मी ने दी है, इसका पतला सा बॉर्डर है इस टाइप का मोती वाला, और पूरी साड़ी जो है लहरिया में है इस तरह से, देखिए। और इसमें छोटे छोटे मतलब ये मोती टाइप लगे हुए हैं, बहुत प्यारी साड़ी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और ये मैं शायद हुआ तो अपने बेटे के बर्थडे पे पहनूंगी इसको, कैसी लग रही है बताना ये वाली। और ये वाली मेकअप किट मुझे दी है मेरी ताई जी की बड़ी बहू है ना, बड़ी वाली भाभी, उन्होंने दी है। तो इसमें मुझे बहुत सारा सामान है उनका, ये चूड़ियाँ हैं, ये देखिए इस टाइप से, और इसमें मतलब सारा सामान है, इसमें लिपस्टिक वगैरह जो होता है सारा सब कुछ है। और ये वाले बिछुए ये बड़ी वाली भाभी ने मुझे दिए है, ताऊ जी की जो बहू है उन्होंने। और ये वाले बिछुए जो हैं ये देखिए बहुत प्यारे लगे मेरे को, ये वाले बिछुए हैं ना, चार हैं ये वाले बिछुए दिए मेरे छोटी वाली भाभी ने, वो मायके गई थी तो वो लेके आई थी मेरे लिए, वो जब भी जाती हैं तब कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आती हैं। पिछली बार गई थी तो पायल लेके आई थी जो मैं पहनी हूँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं ये वाले छोटी भाभी। और जो मम्मी ने मेरे को, क्योंकि मैं वैसे मम्मी दो तीन साड़ियाँ देती है, मैं अब की बार एक ही लाई, मम्मी नहीं बहुत हो जाती है, मैं जब भी जाती हूँ तब भी मिलती है, तो फिर मम्मी ने अब की बार मुझे ये पायल दी है, ये इस टाइप से देखिए पतली पतली पायल है, मुझे इस टाइप की पायल बहुत पसंद है। और हाँ आप लोग कहेंगे कि आप लोग पहले बोलो, बता देती हूँ हस्बैंड के लिए क्यों नहीं लाई मैं, क्योंकि उनको कभी मेरे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते हैं कभी नहीं आते उनको, तो जब भी ये जाते हैं अगर तो मम्मी खुद ही पसंद करवा के देती हैं, या जो अगर ये नहीं जाते और मैं जाती हूँ तो मम्मी इनके लिए हमेशा मुझे पैसे दे देती हैं कि तुम दे देना उनको, वो खुद ही खरीद लेंगे, तो उनके लिए मम्मी ने पैसे दे दिए थे। और हाँ बच्चों के लिए बता दूं आपको, बच्चों के लिए मैं नहीं लाई थी बिल्कुल भी, क्यों कि मैं गई थी तो मैंने आपको दिखाया था, बच्चों के लिए मैं शॉपिंग करके ले गई थी यहाँ से, मॉल से लेके गई थी बच्चों के लिए, कई सारे चार चार जोड़ी कपड़े ले गई थी बच्चों के लिए, तो फिर इसलिए बेकार है पैसे डालना, अभी तो लिए थे मैंने कपड़े। फ्रेंड्स आगे का वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है, सो इसके लिए सॉरी। ओके बाय बाय।